हेलो डियर स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स वेलकम टू द चैनल ऑफ डॉक्टर गौरव वर्मा। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके लिए कंसेप्ट लेके आया हूँ ऑर्डर ऑफ एलिमेंट, और हम दो वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम डिस्कस करेंगे जो बेसिक थ्योरम्स है कि ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट एग्जिस्ट इन अ फाइनाइट ग्रुप। कोई भी जो फाइनाइट ग्रुप होता है उसमें उसका एलिमेंट का ऑर्डर एग्जिस्ट करेगा। तो एक छोटी सी थ्योरम और कराऊंगा इस थ्योरम वीडियो में। तो इंपॉर्टेंट लेक्चर है, और जिसने अभी ऑर्डर का कंसेप्ट पहली बारी पढ़ना है उसके लिए वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट क्या होता है? तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, डेफिनेशन क्या है ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट? ऑर्डर का क्या मतलब है ग्रुप में? तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ऑर्डर ऑफ एलिमेंट का। मान लीजिए एक ए एलिमेंट है ग्रुप का जी, ठीक है। हम क्या मानते हैं कि एक एक पॉजिटिव नंबर एन एग्जिस्ट करता है, जब हम ए की पावर एन करते हैं तो ई बन जाता है। इसका क्या मतलब है? यहाँ पे ये कहने का मतलब है कि कोई स्मॉलेस्ट, कोई छोटे से छोटा या स्मॉलेस्ट नंबर एन एग्जिस्ट करता है, वो पॉजिटिव नंबर एन है, जब हम उस ए की पावर एन करेंगे तो ई दे देगा। तो उस नंबर एन को हम बोलेंगे ऑर्डर ऑफ ए। मतलब कि ऐसा नंबर, छोटे सा छोटा नंबर, जब उसको ए रेस टू पावर एन करेंगे तो वो आइडेंटिटी के इक्वल आ जाए, तो उस एन को हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप। अगर किसी ग्रुप में ऐसा एन एग्जिस्ट ही नहीं करता, इफ देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी पॉजिटिव इंटीजर एन, तो अगर उस ग्रुप में कोई एन एग्जिस्ट ही नहीं करता जो इस तरह की चीज बनाएगा, तो हम उसको बोलेंगे कि ऑर्डर डज नॉट एग्जिस्ट इन दैट ग्रुप, या यू विल आल्सो से कि उस ग्रुप का ऑर्डर जीरो है, या ये भी कह सकते हैं कि उसका इनफाइनाइट ऑर्डर है। तो बेसिकली किसी नंबर की कितनी पावर करें कि वो आइडेंटिटी के इक्वल आ जाए, उस स्मॉलेस्ट पावर को हम उस ग्रुप का ऑर्डर बोलते हैं। जैसे आप लोग छोटी क्लासेस में अयोटा के बारे में पढ़ते हैं, अयोटा, हमें पता है जब अयोटा की पावर हम 4 कर देते हैं तो वो 1 के इक्वल आ जाता है। ये स्मॉलेस्ट पावर होती है योटा की पावर। योटा की पावर 8 भी 1 होएगी, योटा की पावर 16 भी 1 होएगी, तो ये स्मॉलेस्ट पावर 4 करने पे योटा 1 बन जाता है। इसका मतलब जो ऑर्डर ऑफ योटा है, यानी कि किसी भी एलिमेंट का जो ऑर्डर है, डिफाइन करने का ये तरीका है, ऑर्डर ऑफ योटा मेरा कितना होगा यहाँ पे 4 हो गया, क्योंकि तो योटा की मिनिमम पावर 4 करने पे 1 आंसर आएगा। तो ये कंसेप्ट है किसी नंबर की कितनी स्मॉलेस्ट पावर करने पे वो इज इक्वल टू 1 आ जाए, या वी कैन से आइडेंटिटी आ जाए, तो वो उसका ऑर्डर बन जाएगा। ये कंसेप्ट है, डेफिनेशन है। हर एक ग्रुप में आइडेंटिटी एलिमेंट होती है, और आप लोगों को याद रखना कि आइडेंटिटी एलिमेंट का जो ऑर्डर होता है हमेशा स्टूडेंट्स 1 होता है, ठीक है। ये जो मैंने आपको डेफिनेशन दी है मल्टीप्लीकेशन के अकॉर्डिंग दी है। अगर आपका ग्रुप एडिटिव ग्रुप है या आपकी एडिशन चल रही है इस ग्रुप में, तो जब एडिशन चलती होती है किसी ग्रुप में, तो वहां पे हम डेफिनेशन को लिखने का तरीका होता है एन ए इज इक्वल टू 0, यानी कि ए को कितनी बारी प्लस करें कि वो 0 के इक्वल आ जाए, तो उस एन को हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ ए। मतलब कि दो तरह की डेफिनेशन है, जनरली हम यूज करेंगे ए एन इज इक्वल टू ई वाली, ये कितनी स्मॉलेस्ट पावर को करने पर ई बन जाए ए की, ये होती है जनरली मल्टीप्लीकेशन के लिए। अगर ग्रुप एडिटिव ग्रुप है तो ए को कितनी बारी एड करें, मान लो अगर 5a हो जाए इज इक्वल टू 0 आ गया, तो उस ग्रुप का ऑर्डर 5 हो जाएगा। ये एडिटिव के लिए होता है, ठीक है जी। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं स्टूडेंट्स, हमने ग्रुप लिया रैशनल नंबर्स का, 1, ऑर्डर ऑफ 1 इज 1, क्योंकि आपको पता है 1 की पावर अगर 1 करूंगा तो 1 नहीं आ जाएगा, ठीक है। हमेशा पॉजिटिव पावर लेनी है, नेगेटिव पावर नहीं कभी भी लेनी है। -1, हमें पता है -1 का जब हम स्केयर करते हैं तो 1 आ जाता है, -1 का 4 करने पे बना जाता है, -1 की पावर 6 करने पे बना जाता है, तो स्मॉलेस्ट पावर कितनी होगी, 2 हो गई है। तो इसका मतलब -1 का ऑर्डर क्या हो गया है, 1 हो गया है। और बट ऑर्डर ऑफ एनी अदर एलिमेंट, अब जैसे हम 3 ले ले, 2 ले ले, किसी भी और अदर एलिमेंट का ऑर्डर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा रैशनल नंबर में। 2 की कितनी भी पावर कर लो 1 आएगा ही कभी, तो 2 की 0 करने में 1 आएगा, पर 0 इज नॉट अ पॉजिटिव इंटीजर। तो इसका मतलब इस रैशनल नंबर्स के सेट में सिर्फ 1 और -1 का ही ऑर्डर एग्जिस्ट करता है, अदर एलिमेंट्स का ऑर्डर एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है जी। तो यहाँ पे एक डेफिनेशन थ्योरम करने जा रहे हैं, इन अ फाइनाइट ग्रुप, अगर कोई ग्रुप फाइनाइट, ऊपर वाला जो ग्रुप था ना, वो भी मैंने क्यू वाला, वो फाइनाइट नहीं था, वो इनफाइनाइट ग्रुप था। तो इनफाइनाइट ग्रुप में कुछ एलिमेंट्स का ऑर्डर एग्जिस्ट कर भी सकता है, कुछ का नहीं भी कर सकता। अगर फाइनाइट ग्रुप है तो उसमें
ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा। ये थ्योरम है, सिंपल थ्योरम है, छोटी सी थ्योरम है, 5 नंबर में आती है। मान लो कि जी फाइनाइट ग्रुप है, इसका ऑर्डर एन है। हमने एक एलिमेंट लिया ए, जी को बिलोंग करता है, ठीक है। बाय क्लोजर प्रॉपर्टी इन जी, आपको पता है कि मैंने लिखा कि एक एलिमेंट जो है मेरा ए है वो जी को बिलोंग करता है। एक एलिमेंट और लिया वो भी ए है, वो भी जी को बिलोंग करते हैं। तो दोनों ए ए जी को बिलोंग करते हैं, तो ए को जब ए से मल्टीप्लाई करोगे वो क्या आएगा, ए स्केयर। तो ए स्केयर भी जी को ही बिलोंग करेगा, क्लोजर प्रॉपर्टी ओबे करती है। इसी तरह मान लीजिए ए स्केयर है, ए स्केयर जी को बिलोंग करता है, ए भी जी को बिलोंग करता है, तो ए स्केयर इंटू ए करेगा तो ए क्यूब भी बिलोंग करेगा जी को। इस तरह ए की जो सारी पावर्स हैं वो जी को बिलोंग कर जाएंगी। पर जी तो मेरा फनाइट है, तो कहीं ना कहीं या कि जो पावर्स हैं वो आपस में एक दूसरे की इक्वल होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि अगर ऐसे चलता गया ए क्यूब ए फोर ए फाइव इट विल बी इनफिनाइट ग्रुप। तो ये इनफिनाइट ग्रुप ने इसका मतलब जो जो पावर्स है ए आई और ए जे, कहीं ना कहीं ये पावर्स का जो आंसर है, ए की जो पावर्स है बराबर आनी शुरू हो जाएगी, मतलब उनके आंसर सेम हो जाएंगे, ठीक है। आई और जे मान लो पॉजिटिव इंटीजर है, आई जे के इक्वल भी नहीं है, तो हमने मान लिया कि कोई भी दो एलिमेंट्स की जो पावर है वो बराबर आएगी, क्योंकि ये फाइनाइट ग्रुप है, अदरवाइज ये इनफिनाइट बन जाएगा अगर आपकी पावर्स रिपीट नहीं होनी शुरू हुई। मेरे कहने का मतलब है जैसे ए थ्री ए फोर ए फाइव कुछ ऐसा आ जाएगा कि जो ए फाइव है दोबारा फिर घूम फिर के पिछले नंबर के एलिमेंट के इक्वल आ जाएगा किसी ना किसी के। तो मान लीजिए कोई भी दो एलिमेंट हमारे इक्वल आ जाएंगे, आई और जे इक्वल नहीं है, अलग अलग नंबर है। आई मान लीजिए जे से बड़ा है, तो आई अगर जे से बड़ा है तो जब आई माइनस जे करोगे तो वो पॉजिटिव इंटीजर आ जाएगा, ठीक है। ये दोनों इक्वल हैं। ए जे जो एलिमेंट है वो जी का एलिमेंट है ग्रुप का, क्योंकि हमने लिया कि जो ए की सारी पावर है वो जी को बिलोंग करती है। अगर ये जी ग्रुप है तो हमें पता है ग्रुप में हर एक एलिमेंट का क्या होता है, इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो ए का ए जे का जो इनवर्स होएगा वो ए माइनस जे होएगा, वो इस ग्रुप में एग्जिस्ट करेगा, ओके। तो हमने क्या किया, इस चीज को दोनों तरफ से ए माइनस जे से मल्टीप्लाई कर दिया, राइट मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। ये आपस में कट गया, ए की जीरो हो गया, ए की जीरो को हम आइडेंटिटी लिखेंगे, ठीक है जी। ए की पावर आई माइनस जे, यानी कि हुआ क्या, हमें कि ए की एक पावर मिल गई, ये पॉजिटिव पावर है क्योंकि आई माइनस जे इज अ पॉजिटिव नंबर। जब ए की ये पावर करेंगे तो ई आने लग गया, इसका मतलब ए की एक स्मॉलेस्ट पावर एग्जिस्ट कर गई है जो ई आने लगी है। तो मान लेते हैं कि जो जो ये स्मॉलेस्ट पावर है वो एम के इक्वल है, बाय वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल। मान लीजिए ये एम जो है ये स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर है जो ए की एम करने पे ई दे देता है, क्योंकि ए कोई भी जनरल, हमने ए एक ऐसा एलिमेंट लिया था जनरल एलिमेंट था, इसका मतलब ऑर्डर ऑफ ए एग्जिस्ट करने लग गया यहाँ पे, क्योंकि हमें बोला था कि ए की कितनी पावर करे कि ई आ जाए, तो हमने मान लिया कि वो आई माइनस जे जो है वो एम है, इसका मतलब ऑर्डर ऑफ ए एग्जिस्ट कर गया। अब ए कोई भी एलिमेंट था, एनी एलिमेंट लिया था, इसका मतलब हर एक एलिमेंट का उसमें ऑर्डर एग्जिस्ट करेगा। तो आसान थ्योरम है, हमने पावर्स ले लेनी है, मान लेनी कि दो पावर्स बराबर हैं, दोनों तरफ ए माइनस जे से मल्टीप्लाई करके आपके पास ए की पॉजिटिव पावर का ई आ जाएगा, ठीक है जी। अगली थ्योरम भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये थ्योरम बड़ी स्टूडेंट्स रिजल्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, हर जगह कहीं ना कहीं ये थ्योरम यूज होएगी। थ्योरम है कि जी अगर फाइनाइट ग्रुप है, अगर कोई एक एलिमेंट जी उसको बिलोंग करता है और उसका ऑर्डर एन है, एक एलिमेंट ए है जी का, उसका ऑर्डर हमें एन दिया हुआ है, ठीक है। देन ए एम इज इक्वल टू ई, मान लो कोई और नंबर भी है जो ए की पावर करने पे ई हो जाता है, तो हमने ये बताना है कि वो जो एन है उसको डिवाइड करेगा एम को। कहने का मतलब ये है स्टूडेंट, जैसे मैं आपको बताया था कि अयोटा की पावर 4 वो 1 होती है, ठीक है, अयोटा की 8 भी 1 होगी, तो 4 8 को डिवाइड करेगा क्योंकि एन इज अ स्मॉल नंबर। तो यहाँ पे ये मतलब जो एन जो स्मॉलेस्ट पावर होगी वो, और जो पावर्स पे वो 1 बन रहा है या ई बन रहा है, वो स्मॉलेस्ट पावर बाकी सभी पावर्स को डिवाइड करेगी हमेशा। मान लीजिए कि एन डिवाइड करता है एम को और ऑर्डर ऑफ ए हमें एन दिया हुआ है, गिवन है, तो क्योंकि एन एम को डिवाइड करता है तो वी कैन राइट एम इज इक्वल टू एन क्यू, क्यू कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है जी। अब हमने क्या किया, ए की पावर एम कर दी, तो एम की जगह लिख दिया एन क्यू, ए एन अंदर कर लिया, क्यू को बाहर कर दिया, क्योंकि स्टूडेंट्स ऑर्डर ऑफ ए एन है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि ए की एन इज इक्वल टू ई हो गया, तो ये मेरा ई बन गया। आइडेंटिटी की जो मर्जी पावर करो आइडेंटिटी आ जाएगी, तो ए एम इज इक्वल टू ई प्रूव हो गया। पहले हमने लिया कि एन जो है वो एम को डिवाइड करता है, तो इसका मतलब ये चीज हो जाएगी ऑटोमेटिकली।
ठीक है जी। मेन मतलब ये कहने का मतलब है कि अगर किसी ग्रुप का ऑर्डर एन है, अगर कोई और नंबर एग्जिस्ट करता है, जब एक ही पावर उस नंबर को करेंगे, एक ही एम एग्जिस्ट करेंगे, तो अगर एक ही एम ई के इक्वल आ गया, तो एन जो उसका ऑर्डर है वो हमेशा अदर पावर्स को डिवाइड करेगा। इस थ्योरम का ये मतलब बेसिकली। अब हम कन्वर्स कर लेते हैं, मान लेते हैं ए एम इज इक्वल टू ई है, हमें शो करना है कि एन इसको डिवाइड करेगा, एम को। ऑर्डर ऑफ ए मुझे पता है एन है, ठीक है। अब हमें पता है क्योंकि ऑर्डर ऑफ ए एन है, इसका मतलब जो एन है वो स्मॉलेस्ट नंबर है, जब ए की पावर एन करेंगे तो ई आएगा। इसका मतलब जो एम है वो एन से बड़ा होएगा। अगर एम एन से बड़ा है, तो बाय डिविजन एल्गोरिथम मैंने क्या किया, एम को एन से डिवाइड कर दिया। तो डिविजन एल्गोरिथम में क्या होता है, अगर किसी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करते हो तो क्वोशेंट और रिमाइंडर एग्जिस्ट करते हैं, और जो रिमाइंडर हमेशा एन से छोटा होगा, जो डिवाइजर होगा, एन ही मेरा डिवाइजर है यहाँ पे, ठीक है जी। अब हमने क्या किया, हमें गिवन है कि E इज इक्वल टू ए एम, ये मुझे गिवन है। यहाँ पे एम की वैल्यू पुट कर दी गई, ये वाली एन क्यू प्लस आर, इसको ब्रेक किया गया ए एन क्यू डॉट ए आर। ए एन की वैल्यू ई है क्योंकि ऑर्डर ऑफ ए एन है, अगेन ड्यू टू दिस, ठीक है, ये ई हो गया। ई की पावर क्यू ई हो जाएगा, ए आर के इक्वल आ गया, यानी कि ई इज इक्वल टू ए आर आ गया। अब हुआ क्या, आर जो था वो एन से भी छोटा था, और ए की पावर आर करने पे ई आने लग गया, विच इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज ये पॉसिबल नहीं हो सकता कि ए की पावर आर करने पे ई आए, क्योंकि ऑर्डर ऑफ ए एन है, और हमें पता है जो ऑर्डर ऑफ ए एन का मतलब होता है जो एन है वो सबसे छोटा पावर है, ए का सबसे छोटा पावर है जहां पे आइडेंटिटी बनेगी। इसका मतलब आर तो एन से भी छोटा था जिसपे आइडेंटिटी बनने लगी है, इसका मतलब आर एन के इक्वल नहीं होएगा, आर पक्का जीरो के इक्वल ही होएगा। तो थ्योरम में ये अंडरस्टैंड करने वाली बात है, तो इसका मतलब अगर आर जीरो के इक्वल हो गया, तो ये यहाँ पे एम इज इक्वल टू एन क्यू प्लस आर है, यहाँ पे आर जीरो पुट कर दो तो एम इज इक्वल टू एन क्यू रह गया। अगर एम इज इक्वल टू एन क्यू हो गया, इसका मतलब एन एम को डिवाइड करने लग गया। तो स्टूडेंट्स, बड़ी रिजल्ट है कि अगर किसी ग्रुप का ऑर्डर एन है, और अगर कोई ए की और कोई नंबर ए की पावर मान लो एम करने पे ई बन जाए, तो जो उस ग्रुप का ऑर्डर है वो एम को पक्का डिवाइड करेगा। मान लो किसी ग्रुप का ऑर्डर चार है, अगर ए की 16 भी आइडेंटिटी बनाने लगी, तो 4 16 को डिवाइड करेगा ही करेगा। तो ऑब्वियसली जितनी भी हायर पावर्स आइडेंटिटी बनाएगी, वो सारी हायर पावर्स ग्रुप के ऑर्डर से डिविजिबल होएगी। तो स्टूडेंट्स, इस कंसेप्ट बड़ा आसान है, ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या होता है, ठीक है, ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, ये आपको थ्योरम सिखाई गई है आज की वीडियो में। और मैंने इसमें ये सिखाया है कि अगर किसी और एलिमेंट पे आइडेंटिटी बन जाए, तो एन हमेशा ही उसको डिवाइड करेगा। तो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।